तो जैसा कि देख सकते हो हम इसका सीडी डिलक्स का क्लच प्लेट चेंज कर रहे हैं। तो हम पहले से क्लच उलच खोल रखे थे, अब इसका हम बैलेंसर खोलेंगे, उसके बाद भी क्लच प्लेट कैसे डालना है हम आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे डालना है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बड़े आसानी से खुल रहा है, खुल जाएगा जल्दी। देख सकते हैं इसमें कितना डस्ट लगा हुआ है, ये देखिए, ये देख सकते हैं कितना डस्ट है अंदर में। तो इस सबको ये देखिए खुल गया बड़ा आसानी से, इसको निकाल, उसके बाद इसका प्लेट खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं इसका प्लेट भी हमने अभी फाइनल खोल लिया है, अभी खुल जाएगा ये। तो ये देखिए प्लेट भी खुल गया है, इसका क्लच प्लेट खोल लिया। क्लच प्लेट खोलने के लिए 10 नंबर का गुटी, इसको खोल लेंगे। देखिए इसको भी छेनी हथौड़ी से खोल लेंगे, मार के हल्का हल्का हमें छेनी हथौड़ी से मारना है, इस पर आराम से खुल जाए। तो ये देख सकते हैं ये बोल्ट भी खुल गया है इसका, अब इसको हम फाइनल निकाल लेंगे। देखिए बढ़िया आराम से निकल गया है। सो गाइस देख सकते हो हमने फाइनल लगा दिया इसको, इसका हम क्लच प्लेट बैठा लेंगे। तो देखिए कैसे बैठेगा, देखिए ये रहा क्लच प्लेट बैठ गया। ये देख सकते हो इसमें एक वॉशर लगेगा और इसके बाद छोटा वाला नट लगेगा, इसको हम प्यार से लगा देंगे। क्लच के स्प्रिंग लगा देंगे, चार चारों लगा देंगे जल्दी से। इतना ना अगर एक ज़्यादा टाइट कर दीजिएगा और एक कम करिएगा तो उसमें होगा कि बोल्ट टूट जाएगा, तो हम इसको बराबर टाइट करेंगे। ये देखिए टाइट हो गया, अब इसमें हम इसका क्लच का बैरिंग लगा देंगे अच्छे से, इसको ठोक देंगे हाथों से कि अच्छे से बैठ जाए। तो देख सकते हैं ये बैठ गया, अब इसमें हम इसका कटोरी लगा देंगे। तो गाइस हमें इसका कटोरी लगा दी, अब इसका बैलेंसर बचा है तो बैलेंसर हम इसका लगा देंगे जल्दी। बैलेंसर लगाने के लिए इसमें एक वॉशर दिया हुआ है तो वॉशर पहले लगा लेंगे, वॉशर के बाद इसमें नट दिया हुआ है तो इसका नट लगाएंगे, नट को टाइट कर देंगे अच्छे से। तो देख सकते हैं ये नट भी टाइट हो गया, अब इसका हम कवर लगा देंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं हम इसका क्लच प्लेट लगा दिए हैं, उसके बाद अब हम इसको क्लच कवर लगाना है तो क्लच कवर लगाएंगे। क्लच कवर लगाने के बाद इंजन ऑयल डालेंगे, इंजन ऑयल डालने के बाद फिर ट्रायल लेके आपको बताएंगे कि कैसा होगा। अच्छा तो हे गाइस देख सकते हो हमने इसका क्लच प्लेट डाल दिया है, डालने के बाद अब इसका इंजन ऑयल डालेंगे। इंजन ऑयल जो हम डालेंगे हीरो का जेन्युइन ऑयल है, तो हम इसको ऑयल डाल देंगे, डालने के बाद फिर इसको फाइनल स्टार्ट करेंगे।
स्टार्ट करने के बाद तो ट्रायल लेंगे, ट्रायल लेने के बाद आपको बताएंगे कैसा बाइक बना है। तो देख सकते हो मैंने ऑयल डाल दिया है, डालने के बाद इसका जल्दी से गेज लगा लेंगे और गेज लगाने के बाद फिर गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए हो गया, अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। चाबी लाइए इसका। चलिए इसको फाइनल हम स्टार्ट करके चेक कर लेंगे। तो देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट हो गया, अब गाड़ी का ट्रायल लेके आते हैं। सो हे गाइस, देख सकते हो कि हमने इसमें फाइनली क्लच प्लेट डाल दिया है। डालने के बाद ये गाड़ी में बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया और वर्क भी अच्छा कर रहा है क्लच प्लेट। सो गाइस, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।